हेलो एवरीवन, आई एम पूजा कोगन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ्रेंड्स। इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही आपको वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद करियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ही दिया गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर 477 फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ माइनिंग सिरदार एंड टीएनएस ग्रेड सी डिप्टी सर्वेयर्स टीएनएस ग्रेड सी के लिए। यहां से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी, जिसे मैं डाउनलोड कर लिया है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स वैकेंसी में। आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर SECL/BSP/MPHQ 2023/477 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। परमानेंट पोजिशन के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एप सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट में माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी में टोटल 350 वैकेंसी है। एससी के लिए 48, एसटी में 97, ओबीसी एनसीएल में 42, ईडब्ल्यूएस में 32 है, अनरिजर्व में 131 वैकेंसी है। बेसिक पे यहाँ पर 31,852 56 यहाँ पर आपको वेज मिलेगा। डिप्टी सर्वेयर टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड 4C के लिए यहाँ पर 55 वैकेंसी है, जिसमें एससी में 7, एसटी में 14, ओबीसी एनसीएल में 7, डब्ल्यूएस में 5, अनरिजर्व में 22 वैकेंसी है। 31,852 यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनिंग सिरदार टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आपके पास 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदार सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, जो कि DGMS धनबाद द्वारा इशू होना चाहिए, एंड वैलिड फर्स्ट एड एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। या आपके पास 10th क्लास पास आउट है या केवलन डिग्री है एंड डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में है 3 इयर्स के ड्यूरेशन का, तो अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट गैस टेस्टिंग का होना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्टी सर्वेयर टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी में, यहाँ पर भी 10th क्लास पास आउट मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, जो कि DGMS कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अंतर्गत होना चाहिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर मिनिमम 18 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा एंड यहाँ पर 30 जनवरी 2023 तक एज की काउंटिंग की जाएगी। तो यानी कि 18 से 30 साल के कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो हो रहा है एंड यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आई थिंक ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक 3 फरवरी से एक्टिवेट हो रहा, तो आप 3 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकालना है एंड आपको वहाँ पे एक स्पेस दिया गया है, वहाँ पर आपको साइन करना है। साइन करने के बाद अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में किसी गेस्टेड ऑफिसर से आपको साइन करवानी है। देन आपको एड्रेस पर सेंड करना है। पेमेंट एग्जामिनेशन शुड बी जनरल मैनेजर PH.D/MPSECL/CPT Road बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन नंबर है 495006 में। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।